आप सारे परेशान हो ना? आई अभी लग सारे परेशान है। परेशान तो कैन नॉट एक्सप्लेन कितने परेशान है। ओह माय गॉड, ना लोग जुड़ा हुआ है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हम दो तीन दिन लाइव में आए, थोड़ा एक मैसेज छोड़ना चाहिए, वो सही है। फिर अपने लोग है ना वो समझ जाते, लेकिन वो नहीं मैसेज करते, नहीं कुछ करते, ऐसे ही तो ये लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। गाइस गाइस, हम रिएक्शन करने जा रहे हैं इज्मा के वीडियो के ऊपर। तो गाइस, आयुष और एलिजा क्यों नहीं आ रहे हैं लाइव? तो गाइस इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखना, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए जो मेरे को सपोर्ट करे, थैंक यू सो मच। गाइस देखते हैं आज की वीडियो। ओके लेट्स गो। आप सारे परेशान हो ना? आई होप यू लुक लाइव नहीं। सारे परेशान है और क्या यार, परेशान तो कैन नॉट एक्सप्लेन कितने परेशान है। ओह माय गॉड guys, I'm pura video dekhte hain. No, it's nothing to worry about. Whatever it is, they're gonna solve their matter and they will be back. It can be that sometimes, you know, rest chahiye hota hai from social media. It's not always just social media, you know. इसका मतलब रेस्ट कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन ऐसा होता है। हेलो, ये दोनों के साथ इतना अच्छा अटैचमेंट हो गया ना, हम लोग छोड़ के भी नहीं जा सकता है और भूल भी नहीं सकते इतना। क्या बोलो यार, नो वर्ड्स इसमें तो यार। आज बहुत सारे लोग लाइक दे वर गेटिंग एंग्री इन कमेंट सेक्शन, दे वर लाइक इफ दे आर नॉट कमिंग दिस इज नॉट गुड, दे शुड अंडरस्टैंड एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक अरे यार मैं क्या बोलूं, क्योंकि खुद भी थोड़ी सबको लग रहा है क्यों नहीं परेशान करते हैं आप लाइव ऑन करते हैं आगे ना। नहीं परेशान की बात नहीं है, बिकॉज लोग थोड़ा मतलब मैं समझ सकती हूँ, मैं परेशान नहीं होती, बट इस चीज से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब लोग थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं ना, तो इस चीज से मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे घबरा जाती हूँ कि यार। नहीं मुझे क्या लगता है पता है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा स्पेस लेना है वो तो सही है, लेकिन लोग जुड़ा हुआ है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हम दो तीन दिन लाइव नहीं आए, थोड़ा एक मैसेज छोड़ना चाहिए, वो सही है। फिर अपने लोग है ना वो समझ जाते, लेकिन वो नहीं मैसेज करते, नहीं कुछ करते, ऐसे ही तो ये लोग चलते रहते पता ही नहीं। नहीं आपकी बात सही है, आई अंडरस्टैंड। किरण दाई नहीं क्या बोल लू, किरण दाई कुछ बोलिए। किरण दाई थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, मैं तो लेती नहीं हूँ ना इतना गेस्ट पे, इस वजह से लाइक मैंने तो देखा नहीं कभी आपने गेस्ट में बात करते हुए। नहीं मैं लेती नहीं क्योंकि इस वजह से मैं नहीं लेती। सर पहली बात तो ये क्योंकि आयुष भाई को कभी गेस्ट खोल लेते हैं उधर बात हो जाती है और ऐसा फील होता है जैसे कि मुझे तो लाइव भी देख लो तो वो बहुत है। गेस्ट मैं ऐसा फील करती हूँ कि गेस्ट पे लेने की इतनी कुछ हाजरत नहीं होती मेरी लाइफ पे स्पेशली, तो इस वजह से बाकी आज मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि मैं सोच रही थी बहुत टाइम से मैं तो अपनी लाइफ की गेस्ट खोली ही नहीं है, इतना वक्त हो गया तो मैं बोला ले लेती हूँ, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कभी खोलूंगी, मे बी अपनी बर्थडे पे खोलूंगी। अब मैं बर्थडे में आपकी बर्थडे तो अभी अभी आई थी, फिर दूसरी आ गई। क्या अच्छा? अरे इतनी जल्दी बर्थडे आती है, इतनी जल्दी। हाँ वैसे मेरी तो ऐसा लगता है ना फर्स्ट मार्च ऐसे होता है, पर नहीं क्या मतलब एक साल हो गया। अच्छा अभी बर्थडे आई थी। अल्लाह इसका मतलब। हेलो किस कौन किस ने मैंने बोला। ओह हाय किरण, डिड यू नो लाइक बिफोर मीटिंग आयुष एंड एलिजा आई यूज्ड टू व्हाट यू आई यूज्ड टू नो यू बिफोर देम। Yeah. That's cool. अरे जब नेपाल में इतना नहीं पता लगा था लोगों को तो बहनों के बारे में, उससे पहले बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम था, मतलब ऑलरेडी मालूम था लोगों को, जैसे आई थिंक आयुष भाई का भी मालूम था, वैसे हम लोगों का भी बहुत मालूम था लाइक दुबई में और जो पाकिस्तानी व्यूवर्स होते हैं ऐसे यू नो हमारे मतलब जो दुबई का सर्कल है तो यहाँ का सब जानते ही थे ऑलमोस्ट, तो उस टाइम वहाँ के व्यूवर्स होते थे। अभी क्या है कि
अभी थोड़ी थोड़ा जेलसी वाली फीलिंग भी होती है ना, लाइक जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे नेपाली लोग बैठे तो दूसरे हम नहीं आएंगे यहाँ पे, ऐसे करके चले जाते पता नहीं क्यों। रोज ऐसे 10 कमेंट तो मुझे आएंगे, ओ तुम्हें नेपाली लोग देखते, ओ तुम्हें ऐसे, अरे मैं बोलती हूँ अरे वो मुझे पसंद करते हैं, तो क्या हो गया इसमें। नहीं ये जो आप इतनी छोटी छोटी बात में डरती क्यों है, अभी भी आप बहुत घबराहट सी फील कर रही हो, क्यों ये इतना डरती है, क्या है? अरे नहीं गेस्ट पे तो इस वजह से लेने से लोगों को डर चुकी है, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा। नहीं 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 वो दूसरी बात में ब्लॉग भी इतना अच्छा ब्लॉग बनाती हो, टिकटॉक भी इतना रील वगैरह भी डालती हो, फिर भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आता, मतलब थोड़ा सा घबराहट फील करती हो क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से इतनी ओपन नहीं हूँ मैं, मतलब मैं सोशल मीडिया पे हर कोई इतना ओपन नहीं होता ना मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे, मे भी मैं अपने आप को एक नहीं सोशल मीडिया में पब्लिक फिगर होने के बाद तो लोगों को एक्सपीरियंस होता है ना बोलने आने की, इतना कॉन्फिडेंट आना चाहिए ना। है ऐसी बात नहीं है, है मतलब ओके। फिर लाल लाल क्यों होती हो? लाल लाल ये मैं शाय होती हूँ, ये शाय है ओके, ये शाय है, ये कुछ ये नहीं है, ये शाय है। थोड़ा शाय तो थे बंदा, बेशरम थोड़ी ना हूँ। क्या मतलब पब्लिक फिगर क्या बेशरम हो जाए? कुछ भी यार संजीव, क्या यार क्या जाओ यार, मैं जा रही हूँ गाइस। मैं जा रही हूँ अपनी कॉफी बनाने, मतलब पब्लिक फिगर तो बेशरम थोड़ी ना आती यार, थोड़ी थोड़ी शर्म तो आएगी ना यार, मुझे तो हर जगह शर्म आ रही होती है, हर चीज में आ रही होती है, तो इस वजह से। आप बहुत क्यूट, अच्छा मैं ब्लॉग भी देखता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा, मतलब जो होता है ना थोड़ा सा यार इसको काट दूँ इसको लगा दूँ वो वाला नहीं, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, मैं देखता हूँ जब। थैंक यू।